दैट पुट्स द ब्रेक ऑन मुल्तान, क्या कहेंगे आप? देखे जी, कम लाहौर एंड कम दिस विनिंग स्ट्रीक टू एन एंड। बहुत शानदार ब्रेक लगाई है। और ये हम पहले अपने लास्ट वीक वाले एडिशंस में बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद और मुल्तान की जैसी बैटिंग है, इनको पकड़ने के लिए आपको लाहौर जैसी बॉलिंग चाहिए। तो आज लाहौर ने बॉलिंग जो की है राइट एरियाज में की है। अगर आप देखें तो मुल्तान जो है वो टॉप 3-4 जो उनके प्लेयर्स थे वो ही मैच बना रहे थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो टॉप 3 नहीं चले और जो नेक्स्ट जो उनके 2-3 प्लेयर थे वो अननोन टेरिटरी में आए, यानी कि उनको कंफर्ट जोन से आज निकलना पड़ा है। आज सारा स्कोर उन्होंने करना था, ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं उनके साथ पिछले एडिशन के 5 मैच और इस साल के 6 मैच अगर देखें तो वो तो 10 मैचों से वो जब भी आते थे 150 पे 2 आउट, 130 पे 2 आउट, वो शान आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहा है, टिम डेविड बहुत अच्छा खेल रहा है। तो आज जब वो तीनों आउट हुए जल्दी, बाय देयर ओन स्टैंडर्ड आज वो जल्दी आउट हुए, तो वो एक अननोन टेरिटरी थी। फिर रायली रोसू आए, पहली बॉल पे वो आउट हो गए। राशिद खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जमान खान जो लाहौर के इमर्जिंग प्लेयर है, उन्होंने एक मैच जितवाया, आज भी 21 रन देकर 3 विकेट ली, तो वो भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और जिस मैच में डेविड वीजे पूरे ओवर कर जाए तो इसका मतलब है उसमें लाहौर हैवी है, क्योंकि वो पूरे ओवर तभी करते हैं जब विकेटे मिल रही हो, सामने वाले बड़े जो है ना वो कंट्रोल के अंदर होते हैं ना लाहौर के, तो फिर वीजे 4 ओवर करते हैं। तो आज उसने 4 किए हैं। सलमान 180, आज क्या कहेंगे? एक चेजेबल स्कोर तो था, बट अगेन एज यू हैव सेड के लाहौर के आज बॉलिंग बड़े टॉप फॉर्म में थी और उन्होंने बिल्कुल राइट एरियाज में जो है बॉल कराई है। बिल्कुल। और जब हमने मैच के दौरान ब्रेक देखा तो सुपर सोकर्स ग्राउंड में फिर रहे थे, और जो एक बगी कैम होता है वो जब उसको चलता दिखा रहे थे तो उसके टायर्स प्रॉपर वेट थे, सो दे वाज ड्यू एज वेल। जो सुपर सोकर्स की के आने से वो काफी कंट्रोल हो जाती है, बट स्टिल ड्यू इज ड्यू एंड इट हेल्प्स द बैटिंग साइड। तो फुल सही मार्क्स टू लाहौर कलंदर्स, जिस तरह उन्होंने आज, असल में देयर अप्रोच वॉज डिफरेंट। पहले वो थोड़ा सा बॉलिंग में ऑफ कलर नजर, आज दे वर एट इट। वो उन्होंने रूम नहीं दिया ना शान को ना रिजवान को, स्लिप रख के बॉलिंग किया। पावर प्ले में 3-4 ओवर स्लिप रखी, अटैकिंग पोजीशंस रख के, जो इनफील्ड थी वो भी दायरे में थोड़े करीब करीब थे। जो सिंगल्स इनकी स्ट्रेंथ है, रिजवान और शान बहुत अच्छा भागते हैं विकेटों में, थोड़ा सा वो फील्डर्स भी करीब थे। तो टैक्टिकली लाहौर मेड चेंजेस, और वो दोस चेंजेस पुट प्रेशर ऑन द टॉप प्लेयर्स, उनको स्क्वीज किया इन्होंने, उनको रूम नहीं दिया शॉटे मारने के लिए। तो आज बॉलिंग कमाल थी और फिर आज टॉप 3 आउट हुए। और मेरा ख्याल है कि अगर हम मुल्तान के लिए देखें पॉजिटिव इस चीज में, तो ये है कि एक ऑफ डे तो आना होता है, तो बजाय कि वो ठीक कहीं एलिमिनेटर्स में जाके आ जाता तो बेहतर है कि ये पहले ही एक आध दिन ऐसा गुजर जाए जिसके बाद फिर आप जरा इजी हो जाते हैं। वरना होता सारे मैच जीत के अगर फाइनल में बुरा दिन आ जाए या एलिमिनेटर में बुरा दिन आ जाए तो बहुत प्रेशर आ है। जाता है।